उधर महात्मा गांधी की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बापू को नमन किया। उन्होंने कहा कि कई देशों में शांति का पैगाम महात्मा गांधी ने पहुंचाया था। साथ ही आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इतनी मेहनत और कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपने आप को इस पद तक पहुंचाया, तो बड़ी बात है। इतने बड़े पद में रहकर उनके काम की छाप देश भर में है और दोनों ही पुण्य आत्माओं को मेरा नमन है। उनके बताए हुए मार्ग में देश और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। गांधी जी ने आजादी के पहले जो योगदान देश की आजादी के लिए दिया, जीवन भर पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी जीवन में सब प्रकार के क्षेत्रों का प्रगति और विकास का संकल्प लेके माननीय मोदी जी जो चल रहे हैं, और खासकर इस दक्षिण एशियाई देशों में शांति के माहौल में शांति का पैगाम लेकर वो जो जा रहे हैं, ये भारत का गौरव बढ़ाने वाला है और महात्मा गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है।